हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 क्लासेज के क्रैश कोर्स में। गाइस, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों का टाइम टेबल आ चुका है। जो बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल है वो आ चुका है, और जो हम लोगों का बायोलॉजी का पेपर है वह है 13 अप्रैल को। तो गाइस, हम लोगों का जो बायोलॉजी का पेपर है वह 13 अप्रैल को, तो इसको देखते हुए अब हम लोग केवल वही टॉपिक पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा उससे प्रश्न आता है, जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, अब से हम लोग केवल उन्हीं टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो गाइज, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है अंडजनन। गाइज, अंडजनन यह मादा में होता है, अंडजनन यह मादा में होता है। इसमें हम लोग अंडजनन की प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। तो गाइज, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अंडजनन की प्रक्रिया में ये होता है हम लोगों का, जिसकी पोलरिटी 2N होती है। यह अंडजनन दो भागों में समसूत्री समविभाजन के दौरान बढ़ जाएगा। यह दो भागों में समसूत्री समविभाजन के दौरान बढ़ जाएगा। या अंडकोशिका है जिसकी पोलरिटी 2N है। यह हम लोगों का जो है यह अंडकोशिका है जिसकी पोलरिटी 2N है। यह समसूत्री समविभाजन करके समसूत्री समविभाजन करके दो भागों में बट गया। फिर बटने के बाद गाइस, फिर यह भी समसूत्री समविभाजन करके दो भागों में बट जाएगा। यह भी समसूत्री समविभाजन करके दो भागों में बट गया। इसकी पोलरिटी 2N, इसकी भी पोलरिटी 2N, और जो इसकी पोलरिटी है यह भी 2N, इसकी पोलरिटी भी 2N। गाइस, एक बार फिर से इसमें समसूत्री समविभाजन होगा। गाइस, इसमें दो बार समसूत्री समविभाजन हुआ। अब इसमें में से ये जितने भी अंड कोशिकाएं हैं ये अब हम सभी का लेकर नहीं दिखा रहे हैं, केवल एक का लेकर दिखा रहे हैं। यहाँ पर यह अब वृद्धि करेगा। मान लीजिए इसमें कोई विभाजन नहीं हो रहा है, यह केवल वृद्धि कर रहा है। जब वृद्धि हो गया फिर परिपक्व की अवस्था में आ गया। जो है अंडकोशिका जिसकी पोलरिटी 2N है, यह वृद्धि करके अब यह वृद्धि कर ली, यह वृद्धि करके परिपक्व हो गया। फिर यह समसूत्री अर्धविभाजन करेगा। यह जो है समसूत्री अर्धविभाजन करेगा। समसूत्री अर्धविभाजन करने के बाद फिर इसकी पोलरिटी N हो जाएगी, इसकी पोलरिटी N हो जाएगी। फिर यह भी दो बार समसूत्री अर्धविभाजन करेगा। एक ये N हुआ, एक ये N हुआ, फिर एक ये N हुआ, एक ये N हुआ। गाइस, अब यह यहाँ पे जब यह परिपक्व हो गया, यह परिपक्व हो गया, तब यह समसूत्री अर्धविभाजन करेगा। समसूत्री अर्धविभाजन, गाइस, यहाँ पर यह समसूत्री अर्धविभाजन करेगा। फिर इसके पश्चात फिर यहाँ पर भी यह समसूत्री अर्धविभाजन करेगा। गाइस, जो माँ के गर्भ में अगर कोई बच्ची पल रही होती है तो गर्भ में ही उसमें अंडजनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पर जब यह 2N है या कोई शिशु है, मान लीजिए यह कोई शिशु है, जब यह माँ के गर्भ में पल रहा होता है तभी से इसमें अंडजनन की क्रिया शुरू हो जाती है। वह इसमें प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक व तृतीय पुटक, इसे बोलते हैं हम लोग प्राथमिक पुटक या द्वितीय पुटक। और यह है तृतीय पुटक। यह है तृतीय पुटक। गाइस, जब माँ के गर्भ में पल रही जो बच्ची होती है, जब वह भ्रूणावस्था में होती है तभी उसमें अंडजनन की क्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन वह कुछ समय पश्चात रुक जाती है। जो आप लोग कक्षा 11 में कोशिका विभाजन सेल डिवीजन पढ़े होंगे, उसमें सेल का 4 भाग होता है। पहला प्रोफेस, प्रोफेस
दूसरा मेटाफेस, तीसरा एनोफेस और चौथा होता है टेलोफेस। गाइस यह होता है सेल डिवीजन की चार अवस्थाएं, जिसमें पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनोफेज, चौथा होता है टेलोफेज। तो गाइस यहां पर हम लोगों का जो यहां पर ये मेटाफेज वन है, मेटाफेज वन रहेगा वो यहाँ पर आने के पश्चात यह अरेस्ट हो जाएगा। जब बच्ची माँ के गर्भ में कोई बच्ची पल रही होती है, जब वो भ्रूणावस्था में होता है, तभी उसमें अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन शुरू होने के पश्चात जब यह थोड़ा विकसित होता है, तो जिसमें मेटाफेज की वन की अवस्था होती है वह अरेस्ट हो जाता है, तब जो यह सब प्रक्रिया होती है यह बंद हो जाती है। यह सब प्रक्रिया बंद हो जाती है जब उसका जब वह बाहर आती है, जब वृद्धि व विकास करती है, जब वह एडल्ट अवस्था में आ जाती है। एडल्ट अवस्था में आने के बाद जो यह मेटाफेज वन रहता है, जो यह मेटाफेज वन रहता है, जो अरेस्ट हुआ रहता है, तब यह ओपन हो जाता है, तब अंडजनन की प्रक्रिया जो बच्ची रहेगी उसमें चलने लगेगा एडल्ट होने के बाद। जब तक वह माँ के गर्भ में रहेगी तब तक यह मेटाफेज वन अरेस्ट रहेगा, जिसके कारण इसमें अंडजनन की प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन जब यह बाहर आके वृद्धि व विकास करेगी, विकास करने के पश्चात जब परिपक्व हो जाएगी, एडल्ट अवस्था में आ जाएगी, तब इसमें अंडजनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तभी महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तब इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्र का शुरुआत हो जाता है इसी के कारण। फिर गाइस अब हम लोग यहाँ पर आगे आते हैं। फिर यह जो कोशिका है यह समसूत्री अर्धविभाजन करके दो भागों में बट गया, इसमें में से ये जो तीन होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं। केवल यह जो एक ओवम रहता है, यही केवल एक अंडाणु रहता है, यही वृद्धि व विकास करता है। गाइस जिस प्रकार से आप लोग गुरु बीजाणुधानी में पढ़े होंगे, उसमें से चार बीजाणु का निर्माण होता है, जिनमें से केवल एक ही पोषण पाकर वृद्धि व विकास करता है, और जो तीन शेष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया गाइस यहाँ पर भी होगा। अंडजनन में यहाँ पर जो इससे विभाजित हुआ है कोशिका, यहाँ पर जो ये तीन है ये नष्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो एक है यह पोषण पाकर वृद्धि व विकास करेगा। तो गाइस इससे एक ओम का निर्माण हुआ, तो इससे भी एक ही ओम का निर्माण होगा, तो 1 × 4 = 4, तो 4 ओम का निर्माण हुआ। तो गाइस एक अंडजनन की प्रक्रिया में 4 अंडाणु का निर्माण होता है। एक अंडजनन की प्रक्रिया से अंडजनन की कोशिका विभाजित होने के पश्चात चार अंडाणु का निर्माण करती है। गाइस यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडजनन में कितने अंडाणु का निर्माण होता है। तो गाइस अंडजनन की प्रक्रिया में 4 अंडाणु का निर्माण होता है। आइए एक बार फिर से आप लोगों को समझा दें, ये जो है अंडकोशिका, इसकी पोलरिटी 2n है। यह समसूत्री समविभाजन के दौरान दो भागों में बट गया, फिर यह समसूत्री समविभाजन के दौरान 4 भागों में बट गया, दो भाग में ये। फिर इसके पश्चात यह वृद्धि करके परिपक्व अवस्था में आएगा। माँ के गर्भ में जो कोई बच्ची पल रही है उसमें जो होता है अंडजनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ समय पश्चात हुआ जो इसमें अंडजनन की प्रक्रिया में सेल डिवीजन होता है, इसमें जो मेटाफेज वन अरेस्ट हो जाता है, जिसके कारण यह प्रक्रिया बंद हो जाती है। फिर इसके पश्चात जब वह आगे चलकर
वह आगे चलकर वृद्धि व विकास करेगी, एडल्ट अवस्था में आएगी, तब से फिर यह जो मेटाफेज वन अरेस्ट होता है या फिर से स्टार्ट हो जाता है, तब उनमें अंडजनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद गायजिया जो है यह फिर समसूत्री अर्धविभाजन करके दो भागों में बट गया, फिर यह दो भागों में बट गया, यह अभी दो भागों में बट गया। इनमें से ये जो तीन है, ये तीनों कोशिकाएँ जो होती हैं ये नष्ट हो जाती हैं और इनमें से केवल जो एक है यह पोषण पाकर वृद्धि व विकास करता है। तो गाइस हो गया हम लोगों का अंडजनन की प्रक्रिया। गाइस अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।